बेंगलुरु में यूं तो मौका था कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की शपथ का, लेकिन शपथ तो बहाना था, पूरे विपक्ष को यहां एक साथ आना था। गिन लीजिए लोगों को, देख लीजिए इनके खुशी से धमकते चेहरे को। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष अजीत सिंह, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ये तो महज चंद चेहरों की पानगी है, फहरिस्त तो बहुत लंबी चौड़ी है। शपथ ग्रहण से पहले बेंगलुरु में बरसात हो गई, लेकिन कोई बाधा नहीं पड़ी, बस मौसम खुशनुमा हो गया। 4:15 बजे के आसपास विधानसभा परिसर में मंच पर नेताओं का आना जाना शुरू हुआ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर आए। जेडीएस नेता दानिश अली ने उनकी अगवानी की। दोनों कुछ गुफ्तगु कर ही रहे थे कि इसी बीच सतीश मिश्रा के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती हाथ हिलाते हुए मंच पर आ गई। मायावती मंच पर अखिलेश को बिना देखे ही आगे बढ़ी, लेकिन फिर पलट कर पीछे देखा। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराकर अखिलेश से मुलाकात की। बुआ भतीजे के इस तरह की सार्वजनिक मुलाकात इससे पहले कभी नहीं हुई। दोनों ने हंस हंस कर थोड़ी देर बातें की। इसके बाद मायावती अपनी सीट पर बैठ गईं। अखिलेश और मायावती के बीच दानिश अली की कुर्सी थी, लेकिन अखिलेश दानिश वाली कुर्सी पर मायावती के पास बैठ गए। बुआ भतीजा इस शो के शो स्टॉपर बने। इसके बाद मंच पर शरद यादव आए, हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर उनसे मुलाकात की। शरद यादव ने अखिलेश को गले से लगाया, पीठ ठोंकी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा मंच पर पहुंचे। मायावती से उन्होंने झुककर अभिवादन किया, मायावती भी झुकी। फिर देवगौड़ा ने अखिलेश यादव को गले से लगाया। अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर देवगौड़ा शरद यादव से भी मिले। दोनों नेता गले मिले। याद आ गया होगा कि उन्होंने साल 1996 में जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें शरद यादव की भी बड़ी भूमिका थी। शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी साथ साथ पहुंचे। सामने से नारेबाजी शुरू हो गई। सोनिया आगे बढ़ी और राहुल और सोनिया की मुलाकात मायावती से हुई। सोनिया ने मायावती को गले से लगाया, फिर सिर से सिर मिलाया। इसके बाद सोनिया ने मायावती का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जैसे कह रही हूं यूपीए में हाथ का हाथी से साथ छूटने ना पाए बहन जी। मायावती के बगल की सीट थी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे पहुंचे, मायावती से अभिवादन हुआ। खड़गे ने मायावती का हाथ अपने हाथों में लिया। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की, फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मंच पर आईं। राहुल गांधी और सोनिया से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद मायावती से भी ममता ने मुलाकात की। शाम 4:30 बजे कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद कांग्रेस नेता जी परमेश्वरा को राज्यपाल वजूभाई वाला ने डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई। फिर सभी विपक्षी सूरमा एक साथ मंच पर आ गए। पिछले एक दशक में यह पहला मौका है जब बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ इस तरह एक मंच पर आया हो। नेताओं की भीड़ इतनी थी कि कई नेता फ्रेम से बाहर हो रहे थे। फ्रेम से बाहर जाते ही तेजस्वी को मायावती ने खींचकर अपने पास कर लिया। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू भी फ्रेम से बाहर जा रहे थे, उन्हें भी फ्रेम में लाया गया। विपक्ष के इस जमावड़े में सबकी नजरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलाश रही थी। केजरीवाल बेंगलुरु पहुंचे जरूर थे, लेकिन मंच पर नजर नहीं आए। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, बेंगलुरु आज तक।